वेलकम बैक और आज मैं एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आज की वीडियो सीरीज ले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी और ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट रिव्यू है ऐसा नहीं है कि पेट प्रमोशन है इसके मुझे पैसे मिले हैं नहीं ये मेरा खुद का ओपिनियन है और ये प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का है अच्छा एक्टिवेटेड uh, चारकोल है एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क है और जब मैंने इस पील ऑफ़ मास्क को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करा फूड ब्लैक हेड रिमूव के लिए तो इसका क्या रिजल्ट आया वो भी मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा शेयर करूंगी कि सीरियसली इससे हमें इसे खरीदना भी चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले सो गाइज विदाउट इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का यूज़ करें हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि सीरियसली हमें इसे ख़रीदना भी चाहिए कि नहीं तो मैं यहाँ पे आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर रही हूँ साथ के साथ कि जब मैंने से अपने ऊपर अप्लाई करा तो इसका क्या रिजल्ट आया और मतलब मैंने क्या फील करा जब मैंने इसे लगाया अपने फेस के ऊपर तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है अपने फेस को क्लींस कर लेना है वॉश कर लेना है अपनी फेस को जो ऐसे ही नहीं कि गंदे फेस के ऊपर आपने इसको लगा लेना है अच्छे से क्लींस करके फेस वॉश करके आपको इसको लगाना है और फेस को पैट ड्राई कर लेना है आपने फिर इसके बाद जब आप इसको लगाओगे तो आप अपने पूरे फेस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो प्लस आ, ब्लैक हेड ये में भी अप्लाई कर सकते हो जैसे नोज़ हो गया और आपकी चिन हो गई मेरी बेसिकली मतलब नोज़ पे अप्लाई करा है और चिन पे अप्लाई करा है सीरियसली बहुत ज़्यादा मैसी था और मतलब ये पै थोड़ा सा ना पैची सा था जैसे कि एक दूसरे जो चारकोस होते हैं जैसे मैं दूसरे वीडियोस में वगैरह में देखा है मैंने तो बिल्कुल ही इवनली वो स्प्रेड हो जाते हैं लेकिन इसके थोड़े थोड़े से पैच आपको वीडियो में साफ नज़र आ रहे होंगे कि कैसे है लेकिन एक्चुअली क्या है मैं साथ में इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी मतलब आपको बता देती हूँ एक्चुअली इसमें कोई सबसे पहले तो इसका नेट क्वांटिटी हंड्रेड ग्राम है आ, नो पैराबेन नो सल्फेट क्रुलटी फ्री नो मिनरल ऑयल मतलब ऐसा कोई भी इसमें हार्मफुल चीज़ कोई भी नहीं मिली हुई है और प्लस ये जो चारकोल है आ, जैसे कि ये मतलब आ, आपके फेस को प्योरिफाइंग करने के लिए बना हुआ है डीप क्लिंजिंग करता है चारकोल और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और जो डेड सेल्स होते हैं ये उससे छुटकारा मतलब दिलाता है और आपके जो फेस को फ्री रेडिकल यू की जो रेज होती है उससे भी प्रोटेक्ट करता है प्लस हाउ टू यूज इसमें लिखा है कि अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ द मास्क इवनली अक्रॉस योर क्लीन फेस जेंटली पील इट ऑफ आफ्टर लीविंग द मास्क ऑन फॉर एटलीस्ट फिफ्टीन एंड ट्वेंटी मिनट्स मीन टू से इसमें लिखा है कि जो ये मास्क है आपको थिक लेयर में अप्लाई करना है लेकिन जब मैंने इसको अपने पाम पे लिया था तो सीरियसली बहुत ज़्यादा मैसी था प्लस जब हम इसको अप्लाई कर रहे थे ना तो इसकी थिन लेयर बन रही थी ले थिक लेयर नहीं बन रही थी तो मुझे मतलब थोड़ी सी इसमें मुश्किल हुई बार बार इसको अप्लाई करने के लिए तो हाँ वो कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट था और इससे अपनी आंखों से दूर रखना है और इरिटेटिंग साउंड करे आपके फेस पे तो इसको उस टाइम ही मतलब वॉश कर ले जब मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई करा था तो फेस पे बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट आया था जब वो सूखता जाता है धीरे धीरे तो वो इफ़ेक्ट गायब होता जाता है और मैंने मतलब अपने फेस पे जब इसको अप्लाई करा था तो मतलब ये है कि एकदम से वो नहीं होता बिल्कुल टपक सा रहा था ये और इसे सूखने में भी टाइम लगा वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे यहाँ पर इन्होंने पंद्रह से बीस मिनट मैंशन करा है लेकिन इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है और मैंने इसे थिक थिक करने की कोशिश तो करी है बट थिक उतना हुआ नहीं है जैसे कि बिल्कुल फिर भी पैची पैची सा लग रहा है बाकी इसका जो मतलब इसको जब हम पील ऑफ़ करा है वो पील ऑफ़ भी मैंने दिखाया है जूम करके पूरा का पूरा और ये पील ऑफ़ ये निकला है तो मींस मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब पूरा जूम आउट करके भी मैं आपको दिखाया लेकिन मतलब हंड्रेड परसेंट ये आपके ब्लैक हेड और जो वाइट हेड होता है उसको रिमूव नहीं करता है जब मैंने इसको मतलब निकालने के बाद जब अपना फेस को वॉश करा था अच्छे से और जब अपने मैंने ब्लैक हेड व्हाइट हेड पे नज़र मतलब गौर फरमाया था तो उतना मतलब क्लियरली इसका इफेक्ट नहीं हुआ कि इसने अच्छे से पूरे ब्लैक हेड व्हाइट हेड मेरे निकाल दिए और उसमें नहीं लेकिन हाँ ये है कि जो डेड सेल्स होता है उसे ये रिमूव कर देता है लेकिन पूरे के पूरे वाइट हेड को मेरे इसने मतलब नो से नहीं निकाला है वो अभी भी वहीं पर ही थे या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिद्दी थे तो नहीं निकल पाए प्लस इसकी एक अच्छी बात यह है कि जैसे कि दूसरे चारकोल मास्क होते थे जो जब खींचते थे ना तो आपकी स्किन दर्द होती थी इसमें ऐसा कुछ नहीं है माइल्ड है बहुत अच्छा है इजीली रिमूव हो जाता है आपको पेन भी नहीं होता है तो गाइज एट दी एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि आप इस पील ऑफ मास्क को यूज़ कर सकते हो वैसे डीप क्लेंजिंग में बहुत अच्छा है आपके फेस को अच्छे से ग्लो करता है और ग्लो करने के सॉरी फ़ेस जब आप इसको मतलब निकालते हो अपना फेस से तो आपका जो फेस है ना वो ड्राई नहीं लगता है मॉइस्चर मॉइस्चर रहता है उस टाइम पे प्लस अगर आपको चाहिए कि आपके जो वाइटर्स है वो रिमूव करें तो आप एक ये वाला हैक ट्राई कर सकते हो कि अपने फेस को पहले आप स्टीम दे सकते हो जब आपके बिल्कुल भी पोर्स थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे ना उस टाइम पे आप ये लगा सकते हो फिर निकलने की थोड़ी सी गारंटी ये हो सकती है क्योंकि मैंने विदाउट स्टीम लिए ये करा था मतलब अपने फेस को क्लीन करने के बाद ही ये डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था तो आप स्टीम लेने के बाद जब अप्लाई करोगे तब हो सकता है इससे वाइट हेड निकलने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि जब मैंने इसको मतलब अपने फेस पे जब लगाया था तो छोटे छोटे से जो रोम से जो बाल थे ना बिल्कुल ही माइल्ड से थे जो कि ईजिली निकल गए थे इससे तो हो सकता है कि आपके व्हाइट हेड निकल सकते हैं तो गाइज़ आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एंजॉय करा होगा और आपको जो रिव्यू वाला वीडियो है ना थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा इस प्रोडक्ट के बारे में कि सीरियसली आप, आपके लिए है भी या नहीं आपको इसे ख़रीदना भी चाहिए कि नहीं और अगर खरीदते भी तो कैसे यूज़ करना चाहिए तो इफ़ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और बिना सब्सक्राइब करे इस वीडियो को इस वीडियो इस चैनल के वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाइए गाइज so मिलते हैं नेक्स्ट अनदर न्यू वीडियो में सो गाइज बाय बाय खुद का ख्याल रखे और अपनी फैमिली का ख्याल रखे बाय बाय